हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग समस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और हम लोग भी समस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रिंकी रावत फैमिली ब्लॉग में। और अभी मैं नहा गई हूँ और रावत जी अभी कंपनी नहीं गए और दादी भी इधर नाश्ता कर रहे हैं। और आज बच्चे हो गए थे लेट, इसलिए उनके पापा छोड़ने गए थे। और ना अभी जाएंगे रावत जी ड्यूटी, तो मैं दूंगी उनको एक मिठाई का डिब्बा। वहाँ से ना बहुत सारी मिठाई आई थी, कम से कम 10 केजी के आसपास। इतनी तो हम लोग खा नहीं पाएंगे, तो मैं 5 केजी दूंगी कंपनी के लिए। एक डिब्बा कंपनी के लिए दूंगी, एक डिब्बा मैंने अपने लिए रखा है। वहाँ से मिठाई आई थी, लड्डू हैं, जलेबी हैं, मठरी, बालूशाही, नारियल की मिठाई येलो वाली, और इधर नीचे शक्कर पारे भी हैं। तो इतनी हम लोग खा नहीं पाएंगे, तो इतनी ये डिब्बा मैं कंपनी के लिए पैक कर रही हूँ। और रावत जी लेके जाएंगे, देखते कैसे ले जाएंगे बाइक में। दोस्तों, टाइम ना 3 बज गया है। आज मैं फ़ोन में बहुत ज़्यादा बिजी थी, आज मैंने बहुत सारी बातें की फ़ोन में। और अभी आरवान्य भी आ गए स्कूल से, और अभी ना मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ आने की। दादी वो तो मेरी आज आज आने को आने की एनुअल डे की वो कब की मिल गई थी, पर अब जाके मुझे एनुअल डे की फोटो मिली है। इसमें आन्या, ये मैं यहाँ पर लूँ। मैं आन्या को इस फोटो में पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि आन्या ने ना मेकअप वगैरह इतना सारा किया था। मैं यहाँ पर हूँ, इसके बगल में बैठी हूँ। यहाँ पे बैठी है आन्या, ये सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, पूरे ए बी सेक्शन के दोनों हैं। हाँ, और यहाँ पे सेकंड ए का ना सेकंड बी की, यहाँ पे डांस करते समय है। हाँ, तो सेकंड ए और सेकंड बी का अलग था ना डांस, इसलिए मेरा उस गाने को ज्वाइन करा गया। और अभी आरब को नहीं मिली है, जब आरब को मिलेगी फोटो तो मैं आपको इस फोटो में ना मैं इधर खड़ी हूँ। ऊपर करो ना, दिखाओ सही से, दिखाओ पर यहाँ पर। मेरे आँख पे मत मारना, यहाँ पे आन्या है। मैं भी आप लोगों को वैसे दिखा दूंगी, मैं ऐसे कर रही हूँ। क्या गाना था? सबसे कम अच्छा, चलो आज आप कोई भी एक गाना सुना दो। चलो कोई भी एक गाना सुनाओ आज आप, कोई भी कुछ आपको, जैसे आप हरियाणा गए थे, आपको हरियाणवी सॉन्ग कुछ आए? कौन सा गाना सुनाओगी मुझे? दोनों नैन सितारे और पसूरी। आप भूत का डांस, डांस का भूत हो, वो गाने आते हैं। कुछ गढ़वाली गाने आते होंगे आपको। गढ़वाली गाने, क्रीम पाउडर आ करीमी पौधला घिसने की लैनी, मेरी इमला तू समझ की लैनी, मेरी इमला तू समझ की लैनी। इमला नहीं होता है ना, निर्मला है। निर्मला तू समझ की लैनी। वो कमरा पीड़ा वो नहीं आता, वो नहीं आता, नहीं आता। चलो पसूरी वाला सुना दे। पसूरी इधर डांस भी कर लूँ? नहीं नहीं ऐसी सुना। हाँ, डांस करना। नहीं नहीं ठीक है, सॉरी। अगरामा मजबूरी नू आन जान की पसूरी नू जह पले हाँ डेली पी जावा मैं पूरी नू आन सीओ नहीं आया दिल बांग बांग में तकलाया बाबा चोरी बस जावे बाबा चोरी उरी नू बाबा जी ओनु लुकाबे मैनू नैनो के ने खबर की मैं वो वे बात की मैं वो वे आ जावे दिल तेरा बुरा भी बांगो के। ओ कर दे आने, देखो कितना अच्छे से करती हैं। ओ कैसे करती हैं आने सुर से गाने ना, ना गाना सुने ओ करती हैं रावी बंदे को कहाँ से गा। मैं बीच से पूरा बीच से, मैं बीच से गाऊँ? हाँ बीच से। ओके, तो फिर बीच से मुझे आता है जह पले हाँ तेरी
पिज्जा वा मैं पूरी नू आना सीओ नहीं आया दिल बांग बांग में तकलाया बाबा चूरी बस जावे बाबा चूरी उरी नू बाबा जी ओनो रखा भाई मैनू नैनू के ऊ रखा की मैं वो वे हाँ यही तो ऊ करती है ना वो बहुत अच्छा लगता है ऊ करके ऊ निकलती मैं ऊ ऐसे करती हूँ। तो आरब को भी फ़ोटोज़ मिल गई हैं, वो मस्ती में वो बता नहीं पाया था। तो अभी क्या है ना, बच्चों को पहले फ़ोटो मिल गई थी, लेकिन मेरे बच्चे हरियाणा गए थे, हम लोग हरियाणा गए थे इसलिए वो छुट्टी पे थे, तो उनको लेट फ़ोटो मिले हैं, कोई बात नहीं। और मैं आरब की फ़ोटोज़ आपको कल दिखा दूँगी जब मैं उनके पापा को दिखाऊँगी। और आज मैंने ना फ़ोन पर बातें करते करते मैंने काम भी किया, मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या काम किया। और यहाँ पर रखे हैं मैंने ये लोटे, ये हैं जब आरव आने सूर्य भगवान जी को सुबह सुबह अर्घ देते हैं ना, तो मैं यहीं पर रख देती हूँ उनके लोटे दोनों। और वही मैंने इधर दोनों की बुक्स वगैरह वगैरह ऐसी फैला के रखते हैं, एक बुक निकालेंगे और चार बुक्स नीचे गिरा देंगे, तो मैंने वो सही रखे। आरव की मुझे लग रहा है थर्ड या सेकेंड स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक की दूसरी स्कूल की भी बुक्स हैं, तो मैं रख देती हूँ कि आने के काम आएगी। आने वैसे इतना करती नहीं है लेकिन रख देती हूँ मैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है पुरानी बुक्स की भी। और अभी मैंने राव जी को भी फ़ोन किया था, मैंने कहा कहीं लड्डू का डिब्बा गिरा तो नहीं दिया था, तो बोले हमने लड्डू हमने खा भी दिए, पता भी नहीं चला कंपनी में कि 5 किलो लड्डू थे जो मिठाई लेके गए थे, तो फिनिश हो गई थी कंपनी में। ये होता कि घर पर रहती तो ख़राब हो जाती, तो मुझे फेंकनी पड़ती, इससे अच्छा किसी ने खा लिया तो ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों मैं आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं कल आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ दोस्तों मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गई थी कि हम लोग हरियाणा गए थे ना, हमने वहाँ पर बहुत अच्छा इन्जॉय किया, हमें बहुत अच्छा वहाँ पर लगा। जैसे मैं तो यहाँ से बोल रही थी अपनी फ्रेंड को कि मैं तेरे यहाँ आऊँगी कहीं हम बोर हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वहाँ के लोगों का जो नेचर है बहुत अच्छा है। और एक चीज़, वहाँ के लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरी फ्रेंड भी इतना अच्छा डांस करती है, वो भी बहुत अच्छा डांस करती है। और इन्जॉय हमने अच्छा इन्जॉय किया वहाँ पर, ये था कि थोड़ा हमारे पास टाइम कम था, हमने रिसेप्शन भी अटेंड नहीं कर पाए, हम लोग बच्चों के पास भी इतनी छुट्टी नहीं थी क्योंकि उनके भी अभी फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो टीचर ने भी छुट्टी करने के लिए मना किया था, और मेरे हस्बैंड के पास भी ज़्यादा छुट्टी नहीं थी, इसलिए हम 2-3 दिन के लिए वहाँ पे गए थे। लेकिन 2-3 दिन हम वहाँ पे रहे, हमने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे, और वहाँ के लोगों का डांस तो क्या ही कहें।